हेलो एवरीवन, ये हमारा लेक्चर वन रहेगा इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यूज का। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ रिसेशन? रिसेशन क्या होता है? रिसेशन जैसे इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का अपोजिट हो गया रिसेशन। इन्फ्लेशन हो गया महंगाई, कंसिस्टेंट महंगाई। इसी तरह से रिसेशन हो गया कंसिस्टेंट लॉस होते जाना इकॉनमी, मतलब स्टैटिक हो जाना। ठीक है, तो विच आर द फॉलोइंग फैक्टर शो साइन ऑफ इम्पेंडिंग रिसेशन? इम्पेंडिंग रिसेशन, इम्पेंडिंग, पेंडिंग होता है जो काम अभी नहीं हुआ, इम्पेंडिंग आने वाला, आ सकती है रिसेशन। तो इसके कौन कौन से आने वाला रिसेशन? तो इसका पहला आ जाता है इम्पेंडिंग रिसेशन क्या होती है, एक सस्टेनेबल रिडक्शन इन जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, स्टॉक प्राइसेस कम हो जाते हैं, और ये साइंस रहे इम्पेंडिंग रिसेशन के। तो एक्चुअली मैं यील्ड कर्व, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ यील्ड कर्व? तो यील्ड कर्व क्या होता है? एक कर्व होता है जिस, जैसे आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो कहीं पे, पॉलिसीज़ करवाते हो, तो जितनी ज़्यादा टाइम के लिए करवाते हो मोस्टली उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्लियर? दिस इज़ यील्ड कर्व। लेकिन इन्वर्टेड यील्ड कर्व, अब नेक्स्ट है इन्वर्टेड यील्ड कर्व। इन्वर्टेड यील्ड कर्व क्या होता है? एक ऐसा यील्ड कर्व जिसमें लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए करवाओगे तो इंटरेस्ट रेट आपको क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे, और कम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा मिलते हैं। क्लियर? तो ये होती है इन्वर्टेड। तो क्या फैक्टर्स हैं? अब क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शो साइन ऑफ इम्पेंडिंग रिसेशन? स्टडी राइज इन जॉब लॉसेज होते हैं, इन्वर्टेड यील्ड कर्व रहते हैं, तो दोनों ही आंसर इसके क्लियर है। इम्पेंडिंग रिसेशन हो गया जीडीपी का कंटिन्यूसली कम होते जाना, जॉब लॉस होते जाना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाना, और यील्ड कर्व क्या होता है? इंटरेस्ट रेट और टाइम, कितने टाइम के लिए अपने इन्वेस्टमेंट किए, दोनों के बीच में रिलेशन। और इन्वर्टेड यील्ड कर्व क्या हो गया? जिसमें ज़्यादा टाइम अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको बेनिफिट कम मिलेगा। थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।